नमस्कार, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय सिलचर। ईपीजी पाठशाला के हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का आधार विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन की आवश्यकता समझ पाएंगे। रामचंद्र शुक्ल से पूर्व के इतिहास लेखन में काल विभाजन के आधार से परिचित हो सकेंगे। रामचंद्र शुक्ल तथा उनके समकालीन साहित्य इतिहासकारों के काल विभाजन के आधार से परिचित हो सकेंगे और आचार्य शुक्ल के बाद के साहित्य इतिहासकारों के काल विभाजन के आधार से भी आपका परिचय होगा। साहित्य का इतिहास केवल तिथियों का क्रम नहीं है, न ही केवल विषय विश्लेषण। कालक्रम के बीच होने वाले परिवर्तनों की पहचान साहित्य के इतिहास का केंद्रीय तत्व है। न तो केवल विषय विश्लेषण से यह पहचान संभव है और न ही उस इतिहास से जिसमें केवल तिथियों का क्रम होता है। साहित्य के इतिहास में यदि केवल विषय विश्लेषण है तो वह साहित्य संपूर्ण नहीं हो सकता। साहित्य के इतिहास को प्रभावी, सटीक और संपूर्ण बनाने के लिए समूचे काल को अलग अलग उपकालों में विभाजित करने की पद्धति थोड़ी जटिल होती है। यह जटिलता इस कारण से आती है क्योंकि कालों का विभाजन मनमाने ढंग से नहीं होता, बल्कि इतिहासकार द्वारा अनुभूत ऐतिहासिक विकास क्रम के तर्क के आधार पर होता है। जाहिर है, काल विभाजन का लक्ष्य अंततः इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। साहित्य के इतिहास में से ऐतिहासिक कालक्रम का आधार आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि, साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद आदि, और सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना का आधार यानी लोक जागरण, नव जागरण आदि को ध्यान में रखकर किया गया विभाजन अब तक के साहित्य इतिहासों में अधिक उपयोगी और मान्य साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न साहित्य इतिहासों में शासक और शासन काल का भी आधार बनाया गया, जैसे विक्टोरिया काल, मुगल काल आदि। अलग अलग समय के लोक नायकों और उनके प्रभाव काल का आधार बनाकर भी कई इतिहास लिखे गए हैं, जैसे उनमें गांधी युग, नेहरू युग आदि शीर्षक मिलते हैं कालों के लिए। इसके साथ साथ साहित्यिक अग्रदूतों के प्रभाव के आधार पर भी उन कालों का नाम रखा गया है विभिन्न इतिहासों में, मसलन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि। साहित्य के इतिहास में इस प्रकार के विभाजन और वर्गीकरण में ध्यान मुख्य रूप से वैशिष्ट की जगह सामान्य गुणों की खोज पर रहता है। इसका आशय यह है कि साहित्य का इतिहासकार रचनाओं में निहित उन सामान्य गुणों की खोज करता है और इन सामान्य गुणों, जिन्हें प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है, कि जानकारी और समझ के सहारे ही किसी युग की केवल एक कृति को सामने रखकर उस कृति के एक सामान्य से अंश की परीक्षा करके उसके आधार पर हम समूचे युग की मूल चेतना का आभास पा सकते हैं। काल विभाजन के आधार के संबंध में सामान्यतः दो प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार साहित्य के इतिहास में काल विभाजन विशुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि साहित्य सर्वथा स्वतंत्र है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ एक धारणा यह भी है कि चूंकि साहित्य में अंततः समाज की ही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए समाज की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर साहित्य इतिहास का काल विभाजन भी किया जाना चाहिए। ऐसा मानने का एक कारण यह भी है कि प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्य चेतना की अभिव्यक्ति केवल साहित्यिक प्रत्ययों के आधार पर नहीं हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसके आरंभ में ही
उन्होंने काल विभाजन पर स्पष्ट रूप से विचार प्रकट किया है। काल विभाजन पर विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परंपराओं के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को भी विभाजन का आधार माना है। साहित्य के इतिहास की उनकी धारणा में वस्तुतः काल विभाजन का उनका आधार प्रमुख है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में काल विभाजन के मूल में समाज की परिवर्तनशीलता है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है और इस संबंध की घनिष्ठता के कारण समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होता चलता है। आचार्य शुक्ल जनता की चित्त वृत्तियों की परंपरा को साहित्य की परंपरा के आमने सामने रखकर ही नहीं देखते, बल्कि उन स्थितियों पर भी ध्यान देते हैं जिनसे ये चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। उनका कहना है कि जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। फलस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी आवश्यक होता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की प्रमुख सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, उसका कारण भी उनकी इसी धारणा में निहित है। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा, इस्तवार दलाल त्रित्यूर एंदु हिंदुस्तानी, उसमें उसने यद्यपि अनेक हिंदी उर्दू के कवियों को स्थान दिया है और विस्तृत सामग्री भी उपस्थित की है, लेकिन कालक्रमिक नहीं होने के कारण, सुसंगत काल विभाजन नहीं होने के कारण उसका वह इतिहास कवियों का संग्रह बनकर रह गया। इतिहास की सामग्री को तो उसने आकार आदि क्रम से प्रस्तुत किया है, किंतु काल विभाजन उसमें है ही नहीं। अपने इतिहास में कालक्रम के अभाव के कारणों की चर्चा करते हुए तासी ने लिखा है कि मौलिक जीवनियां जो मेरे ग्रंथ का मूलाधार हैं, सब आकारादि क्रम से रखी गई हैं। मैंने यही पद्धति ग्रहण की है। यद्यपि शुरू में मेरा विचार कालक्रम ग्रहण करने का था और मैं यह बात छिपाना नहीं चाहता कि यह क्रम अधिक अच्छा रहता या कम से कम जो शीर्षक मैंने अपने ग्रंथ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता, किंतु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएं होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था। इससे इतनी बात तो जाहिर होती ही है कि काल विभाजन करना बहुत ही कठिन है और उसके पीछे रचनाओं की पर्याप्त सूचना होने की आवश्यकता होती है। शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन सन 1883 में हुआ था, उसका विश्लेषण की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना सामग्री संचयन की दृष्टि से। शिव सिंह सरोज में कवियों और रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती जितना उनके बारे में सूचनाओं के लिए वह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सरोज का काल विभाजन शताब्दियों के अनुसार है, साहित्य प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं। गिरियर्सन ने जो इतिहास लिखा है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन सन 1889 में हुआ था, उसमें भी उसने कालक्रम, साहित्यिक प्रवृत्तियों और व्यक्तियों के नामों, इन सब का सहारा लिया है। इन सब को मिलाकर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का एक कालक्रमिक और प्रवृत्तिपरक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ध्यान दें तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि उनके 11 खंडों में जो उसने काल विभाजन किया है, उनके नामों से इन तीनों ही प्रवृत्तियों की झलक मिलती है, यानी चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह कहने की आवश्यकता नहीं है इन शीर्षकों को जानने के बाद कि इस विभाजन में कालों का नामकरण हमेशा एक ही आधार पर नहीं हुआ है।
ग्रियर्सन ने कालक्रम, साहित्यिक प्रवृत्तियों और व्यक्तियों के नामों, इन सब का सहारा लिया है। आरंभ में यदि कोई साहित्य इतिहासकार ऐसा करता भी है तो हम उसके कारणों को समझ सकते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबद्ध, उनसे जुड़ी हुई सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का भी प्रयास ग्रियर्सन ने गंभीरता से किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में ग्रियर्सन का इतिहास एक बढ़ा हुआ कदम तो है ही अपने पूर्ववर्ती इतिहासों की तुलना में, बल्कि काल विभाजन संबंधी जो उसकी धारणाएं हैं वह भी ग्रियर्सन के बाद के साहित्य इतिहास लेखकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास है। इसका कारण यह है कि इसमें प्रस्तुत काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास के आरंभिक काल विभाजन के मसौदे से ज्यादा विकसित है। काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक परिश्रम कवियों का समय निर्धारित करने में किया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार है: पूर्व प्रारंभिक हिंदी, उत्तर प्रारंभिक हिंदी, पूर्व माध्यमिक हिंदी, प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी, पूर्व अलंकृत प्रकरण, उत्तर अलंकृत प्रकरण, अज्ञात काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस ढांचे को देखने से आसानी से यह बात लक्षित की जा सकती है कि यहाँ काल विभाजन का प्रमुख आधार साहित्य की प्रवृत्ति नहीं बल्कि भाषा का विकास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों की चर्चा की है और उनकी चर्चा करते हुए उन्हें वास्तविक अर्थों में रामचंद्र शुक्ल इतिहास नहीं मानते बल्कि केवल वृत्र संग्रह माना है उन्होंने। शिव सिंह सरोज को उन्होंने वृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। प्रवृत्ति की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से ये तीनों ही ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक जैसे हैं। फर्क उनके बड़ा होने और बड़ा भारी होने में है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन इतिहास ग्रंथों में विचार श्रृंखला का अभाव है। यह समझ सकना मुश्किल नहीं है कि वह विचार श्रृंखला ही है जिससे काल विभाजन में सुसंगति आती है। आचार्य शुक्ल से पहले जो इतिहास ग्रंथ थे उनमें विचार श्रृंखलाबद्ध दृष्टि का अभाव तो था ही, उपलब्ध सामग्री का प्रवृत्तियों के हिसाब से सुसंगत वर्गीकरण भी नहीं मिलता। साहित्य के विकास और समाज से उसके संबंध के बारे में अपनी सुनिश्चित दृष्टि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने पहली बार सुसंगत काल विभाजन किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन दो आधारों पर किया है, पहला कालक्रम के आधार पर और दूसरा साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर। कालक्रम के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है और इन्हीं कालों को साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के अनुसार वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल भी कहा है। आचार्य शुक्ल के सामने हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न परंपराओं के उदय और अस्त, परिवर्तन और प्रगति, निरंतरता और अंतराल तथा संघर्ष और सामंजस्य का मूल्यांकन करने और अपने समय की रचनाशीलता के विकास के संदर्भ में प्रासंगिक परंपराओं को रेखांकित करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व तो था। उन्होंने इतिहास के अपने ढांचे में व्यवस्थापन एवं सुसंगत विभाजन के साथ जनता की चित्त वृत्तियों की परिवर्तनशीलता और विकासशीलता की परंपरा तथा साहित्य की परंपरा के साथ उनके सामंजस्य का भी ध्यान रखा है। वे यह मानते थे कि साहित्य के इतिहास के किसी भी काल में संस्कृति और विचारधाराओं की विविधता
और अंतर विरोधों के अस्तित्व के कारण अनेक रचना प्रवृत्तियां एक साथ सक्रिय हो सकती हैं। उनके अनुसार यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। आचार्य शुक्ल ने बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग काल का विभाजन किया गया है, किंतु वो ऐसा मानते हैं कि उस काल के समाप्त होने के बाद दूसरे काल के शुरू होने के बावजूद वह प्रवृत्ति साहित्य की पुरानी प्रवृत्तियां एकदम से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उन प्रवृत्तियों का प्रचलन आगे के कालों में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, जो काल जिस समय में प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी प्रमुखता कम हो जाती है, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। हिंदी के साहित्य इतिहासों में काल विभाजन की जगह विभिन्न रचना प्रवृत्तियों की ऐसी धारावाहिकता को महत्व देने वाली एक और भिन्न पद्धति भी मिलती है। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक, जो सन 1930 में शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकाशन के ठीक बाद छपी थी, उसमें उन्होंने वीर गाथाओं की परंपरा दिखाते समय ऐसी ही धारावाहिक पद्धति अपनाई है। उन्होंने प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक सीधा विकास दिखाया है। शुक्ल जी की पद्धति से एक अलग पद्धति का प्रयोग भले बाबू साहब कर रहे थे, किंतु इस पद्धति की असंगतियों को आचार्य शुक्ल बखूबी समझते थे। असल में एक साहित्यिक प्रवृत्ति के अंत से ही दूसरी साहित्यिक प्रवृत्ति की उत्पत्ति जुड़ी होती है। धारावाहिक इतिहास लेखन की पद्धति में इस साहित्यिक सच्चाई का उल्लंघन होता है। साहित्य की प्रवृत्तियों की धारावाहिकता और निरंतरता को स्वीकार कर लेने का मतलब होगा साहित्य के इतिहास में मुख्य प्रवृत्तियों और गौण प्रवृत्तियों के निर्धारण की समस्या का उत्पन्न होना। कोई एक प्रवृत्ति समूचे इतिहास में न तो मुख्य बनी रहती है और न ही गौण, उनका स्थान बदलता रहता है। इस जटिल समस्या का हल निकालने के लिए ही संभवतः आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक युग के अंत में फुटकल रचनाओं एवं रचनाकारों पर विचार किया है। यद्यपि रामचंद्र शुक्ल की यह पद्धति भी आलोचना से परे नहीं है, और इसके कारण भी हैं। विद्यापति असंदिग्ध रूप से आधुनिक भाषाओं में लिरिक के पहले महान कवि माने जाते हैं। अब यदि ऐसा कवि किसी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक काल के फुटकल खाते में स्थान पाए, तो क्या उस काल विभाजन का समूचा सिद्धांत ही संदिग्ध नहीं हो जाता? नामवर सिंह ने यह बात लिखी है। विद्यापति अपने समय के एक ऐसे कवि हैं जो मातृभाषाओं में कविता लिखने में अग्रणी कवि के रूप में सामने आते हैं उस युग में, और उस अग्रणी कवि का स्थान यदि हाशिए पर हो, फुटकल खाते में हो, उसकी मुख्य प्रवृत्ति का की पहचान न हो सके उस इतिहास से, तो उस इतिहास के काल विभाजन पर सचमुच ही प्रश्न चिन्ह उठता है। आचार्य शुक्ल के बाद साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विकास सही अर्थों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तकों के द्वारा किया है।
साहित्य के इतिहास संबंधी उनकी तीन पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका जो सन 1940 में आई, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की दो मुख्य विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना है, ऐतिहासिक काल विभाजन और साहित्यिक मूल्यांकन। आचार्य शुक्ल के इतिहास के बारे में द्विवेदी जी ने लिखा है कि आचार्य शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा, पहली बार वह जीवंत मानव विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जहां एक तरफ आदिकाल नाम और उसकी काल सीमा को स्वीकारते हैं, वहीं वे रामचंद्र शुक्ल की दी हुई प्रवृत्ति परक वीरगाथा काल को स्वीकार नहीं करते, वीरगाथा काल से उनकी असहमति है। आचार्य द्विवेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन के सिद्धांत से अपना मतभेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः किसी काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। प्रभाव उत्पादक और प्रेरणा संचारक तत्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का उपयुक्त निर्णायक हो सकता है। आचार्य द्विवेदी मानते थे कि किसी एक युग में जनता के विभिन्न समुदायों की विभिन्न प्रवृत्तियां हो सकती हैं, और इन विभिन्न प्रवृत्तियों का पारस्परिक संबंध युग की विशेषता प्रकट करता है। आचार्य शुक्ल के लिए जहां किसी एक प्रवृत्ति की प्रबलता और प्रसिद्धि साहित्यिक तथ्यों के ऐतिहासिक महत्व का निर्धारण करती है, वहीं आचार्य द्विवेदी के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों का पारस्परिक संबंध। हिंदी साहित्य की भूमिका में यद्यपि उन्होंने मध्ययुग नाम का उपयोग किया है, फिर भी मध्ययुगीनता को पतनोन्मुख और जबती हुई मनोवृत्ति का सूचक मानने के कारण बाद के अपने इतिहासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हटा दिया। भक्ति साहित्य के सामंत विरोधी स्वर एवं लोक भाषाओं की कविता को देखते हुए आचार्य द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहासों के बाद गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें उन्होंने दो मुद्दों पर अपने से पूर्ववर्ती साहित्य इतिहासों से असहमति व्यक्त की है। उनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ सन 1184 के शालिभद्र सूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक से माना है। इस संबंध में उनका कहना है कि भाषा के उद्भव के पहले ही साहित्य का आविर्भाव मानना सही नहीं है, यह एक विचित्र कल्पना है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दो बड़े कालखंडों में विभक्त किया, एक तो सन 1857 के पहले का समय और दूसरा उसके बाद का। ऐसा करते हुए उनका तर्क है कि जिस प्रकार हमारे राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में सन 1857 को विभाजक रेखा माना जाता है, एक ऐसी विभाजक रेखा जिससे मुस्लिम राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश शासन का आरंभ होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में भी यह पुराने युग की समाप्ति एवं नए युग के आरंभ का सूचक है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों में रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम भी प्रमुख है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा। अपनी पद्धति के बारे में उन्होंने उस इतिहास में बताया
कि वृत्त यहाँ सर्वांग पूर्ण न होकर चयन धर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। इतिहास की जगह विकास पर ध्यान केंद्रित करने का कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है, जबकि विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर जहां दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने से पहले के रचनाकार से कहां और क्यों भिन्न तथा विशिष्ट है। साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एक जटिल विषय है। काल विभाजन करते समय सामाजिक विकास की अवस्थाओं के साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता का विचार करना कठिनाई उत्पन्न करता है। यही कारण है कि प्रायः समाज के इतिहास के युगों के साथ साहित्य के इतिहास के युगों की संगति नहीं दिखाई पड़ती। बहुत हद तक यह संगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की संरचना, उनका काल विभाजन, नामकरण की व्यवस्था और विभिन्न कवियों तथा लेखकों के बारे में उनके मूल्यांकन की परवर्ती आलोचकों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से की गई आलोचनाओं के बावजूद आचार्य शुक्ल की मान्यताएं, उनके मूल्य निर्णय, उनकी स्थापनाएं हिंदी के पाठकों के साहित्य बोध का अनिवार्य अंग बनी हुई है।